भारत ने चंद्रमा के मिशन पर अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है और इस मिशन में प्रदेश के नागौर जिले के एक छोटे से गांव डाकीपुरा निवासी सुनीता खोखर भी चंद्रयान 3 की उसी टीम का हिस्सा रही हैं। सुनीता खोखर इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में कार्यरत हैं। सुनीता ने बताया कि मून पर लैंड होने के बाद सारी जानकारी सेंसर के माध्यम से ही होती है और लैंडर में जो सेंसर लगा हुआ होता है हमने उसी सेंसर पर काम किया है। सुनीता खोखर कि इस छोटे से गांव में आज भी ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन नहीं है। सुनीता खोखर ने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद इसरो में जाने की तैयारी की और पहले साल सफलता नहीं मिली, दूसरी बार भी इसरो में जाने में सफल हुई और 2 मई 2017 को अहमदाबाद अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में ज्वाइन किया। किसान यहाँ में तो मजदूरी के लिए बिन पढ़ाई और भी बढ़िया नंबर आया है, मुझे 2-3 वैकेंसी हम अप्लाई करी दो कि इस लोग हमारे नंबर आए इन दाखिल की। तो आपको कैसा लग रहा है आपकी बच्ची ने मुकाम हासिल किया? तो हाँ, तो हमको तो बहुत खुशी है, गांव को सभी छोटी बस्ती है उन्हीं सपोर्ट चुके हैं, परिवार को भी खुशी है और हमारा छोटा सा गांव देहाती गांव टाइनी टाइप है उस गाँव का रोशन किया, नाव नागौर जिला को जिलो मौका भी को नाव रोशन करियो। ए भाई पड़ता जो ए बिन बुढ़ा टोड़ा को चमन काटियो जो बा ते कोई अच्छे में ना रोई इन माको घुमी लाड करियो न भाई नहीं जना बापा रोई। तो अब के समावल है परिवार में? अब बहुत खुशी का भाई इन मान बापन बाबा अंता जी सब खुशी है तो दादा दादी सब। जब बेटियाँ अच्छा काम करती हैं तो उसके पीछे पूरी कायनात होती है जो उसको वहाँ तक पहुँचाने में मददगार शामिल होती है, साथ ही बच्ची के हौसले और उनके जो हिम्मत है मेहनत है वो भी उसमें सहयोग करती है। इसी के मद्देनज़र अभी हमारे भीलवाड़ा उपखंड की बिटिया सुनीता ने चंद्रयान जो अभी अभी लॉन्च हुआ है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव का पल हमें मिला है उसको लॉन्च करके, उसमें टेक्निकल टीम में सहयोगी के रूप में यहाँ की बिटिया सुनीता ने अपना सहयोग किया है।